हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता क्रिएशन। मैं हूं ममता। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं छोले की बनाने की रेसिपी। यहां छोले बहुत ही टेस्टी बनाए हैं मैंने और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाकर। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे और आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। छोले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये छोटे वाले छोले लिए थे, एक बॉल। इनको मैंने रात भर भिगोकर रख दिया था। ये मोटे वाले छोले ना लेके ये वाले छोले लें, बहुत अच्छा बनते हैं ये, और रात में भिगोकर रखे तो अच्छे फूलते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुकर लेंगे। कुकर में मैंने छोलों को डाल दिया है और इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, पानी ऐड कर दें जितने बॉयल करने में यूज़ हो। यहाँ पर मैं ये एक चम्मच नमक को ऐड करूँगी। यहाँ पर ये हल्दी ऐड कर देती हूँ, एक छोटा चम्मच। अब हम छोलों को अपने उबाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। 20 मिनट के लिए हम अपने छोलों को उबलने देते हैं, या जब तक छोले उबलना जाए आप बीच में भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, 20 मिनट हो चुके हैं, छोले हमारे बॉयल हो गए हैं। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं अपने छोलों को। ये देखिए, छोले हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। हम इसके को फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पर हम अपने खड़े मसालों को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग ली है। खड़े मसालों को भी मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, मसालों को मैंने ऐड कर दिया है। इनको अच्छे से भून लेते हैं। अब मैं यहाँ पर आधा चम्मच जीरा ऐड करूँगी और एक पिंच हींग को ऐड करूँगी। ये देखिए, एक पिंच यहाँ पर हींग को भी ऐड कर देती हूँ। इन सभी को अच्छे से चला लेंगे और इन्हें थोड़ा सा भूनने देंगे हम। देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये मैंने दो प्याज का पेस्ट बना लिया था, इसी में मैंने अदरक और हरी मिर्च को भी डालकर पीस लिया है। इस प्याज के पेस्ट को भी हम मिला देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से चला दीजिए। ये देखिए, अब प्याज को हमें 2-3 मिनट तक भूनना है, या जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम अपनी प्याज को भूनेंगे। यहाँ पर देखिए, प्याज हमारी भून चुकी है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ये दो बड़े टमाटर को मैंने पीस लिया था, इसकी प्यूरी बना ली थी, ये भी मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। अच्छे से चला लेंगे हम। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहीं पर मैं अपने सूखे मसालों को भी ऐड करूँगी। यहाँ पर एक बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है और आधा चम्मच यहाँ पर मैं ये गरम मसाला डालूँगी, और ये आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये देखिए, मेरा चाहिए ज़्यादा तीखी नहीं होती है। और यहाँ पर हल्दी और नमक तो हम पहले ही डाल चुके हैं, तो वो डालने की ज़रूरत नहीं है, बॉयल करते समय हमने डाल दिया था। सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हमें मसालों को अपने 4 से 5 मिनट तक पकाना है, जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। मसालों को अच्छे से पकाना चाहिए, तभी हमारा किसी भी सब्जी या छोले में अच्छा टेस्ट आता है। जब तक ये तेल ना छोड़ दें, तो मसाले को ही हमें यहाँ पर अच्छे से पकाना है अपने। इन्हें बीच बीच में चलाते रहें जिससे हमारे मसाले लगे ना। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब यहाँ पर मैं अपने उबले हुए छोलों को ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने छोलों को भी ऐड कर दिया है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ना तो कोई कलर के लिए टी बैग का यूज़ किया है, ना ही कोई पोटली बनाकर डाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पर मैं दूसरी गैस पे मैंने चाय की पत्ती का पानी पका रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, एक गिलास पानी में मैंने 2 बड़े चम्मच चाय पत्ती डाला था और इसका ये पानी मैंने पका लिया है। यही मैं अपने छोलों में डालूँगी। ये देखिए, मैं यहाँ पर छोलों में डाल देती हूँ। इससे बहुत अच्छा कलर आता है। इस तरीके से आप डालें तो अच्छा रहता है। पोटली बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, टी बैग डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से पानी पका कर डालें चाय पत्ती का। अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं ये आधा चम्मच छोले मसाले डालूँगी और ये आधा नींबू निचोड़ दूँगी अपने छोलों में। बहुत अच्छा टेस्ट आता है नींबू से।
ये देखिए फ्रेंड्स, सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पर। और हम अपने छोलों को 8 से 10 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे, बीच बीच में चलाते रहें। ये देखिए बीच में चेक कर लेते हैं, उनको चला देते हैं। यहीं पर मैं अपना धनिया, हरा धनिया भी ऐड कर देती हूँ। ये देखिए हरा धनिया भी मैंने ऐड कर दिया है। फिर से हम इसको ढक लेके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हमको पकाना है, हाई फ्लेम पे भी ना रखें। ये देखिए, और ग्रेवी आप जैसी चाहते हो, लिक्विड में चाहें या थोड़ी थिक चाहें, उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। छोले हमारे बनकर तैयार हैं। इन्हें मैं एक सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। ये देखिए देखने में भी कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, हमारे छोले कितने टेस्टी लग रहे हैं। आप इन्हें पूरी, भटूरे या चावल के साथ खाइए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।